अगली खबर इंदौर से है, जहां मोबाइल में एसएमएस के माध्यम से ठगी की बात सामने आ रही है। बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस कर रात 9:30 बजे पर बिजली बंद करने और मोबाइल नंबर पर भुगतान करने का कहकर ठगी की बात की जा रही है, जिसे देखते हुए बिजली कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं से भुगतान को लेकर सावधानी रखने की अपील की है। कंपनी ने कहा कि बिजली कंपनी कभी भी मोबाइल नंबर पर एसएमएस नहीं भेजती। कंपनी अपने गेट्स वैसे ही मैसेज भेजती है, जिसमें स्पष्ट रूप से एमपीएसईबी या एमपीपीकेवीवीसीएल लिखा आता है। कंपनी ने कहा कि कंपनी के किसी भी मैसेज में कोई मोबाइल नंबर नहीं भेजा जाता है, जिस पर भुगतान को लेकर बात करने या मोबाइल नंबर पर सीधे राशि मांगने की बात की जाती है। बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि बिजली बिल भुगतान कंपनी के जोन वितरण केंद्रों, कंपनी के कर्मचारी के डोर टू डोर ऐप के साथ ही एमपी ऑनलाइन, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूजर्स ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने कहा कि वर्तमान में जो एसएमएस का रात 9:30 बजे बिजली बंद करने या मोबाइल नंबर पर बात करने, भुगतान करने का कहा जा रहा है, यह एसएमएस पूरी तरह फर्जी है, उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वाला है। इसकी सूचना बिजली कंपनी की ओर से पुलिस को भी दी गई है। बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे ऐसे एसएमएस को पूरी तरह नजरअंदाज करें। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।